हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जर्नल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे जैन धर्म के विषय में चर्चा करेंगे और पेट परीक्षा में दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एक नंबर आपका पक्का का पक्का हो जाए और किसी पढ़ाए हुए में से टॉपिकों में से एक प्रश्न साक्षात परीक्षा में आ जाए। दोस्तों आइए समझते हैं जैन धर्म क्या है। जैन धर्म दोस्तों जो है वो बना है जिन शब्द से। किससे बना है? जिन से बना। किससे बना दोस्तों? जैन शब्द जो है वो जिन से बना है। किससे बना है? जिन से बना है। एक बात है, क्या जिन से बना है तो जिन का कुछ अर्थ होता है, तो जिन का अर्थ है दोस्तों विजेता। क्या अर्थ है? जिनका अर्थ है दोस्तों विजेता। जैन धर्म जिन से बना और जिसका अर्थ हुआ विजेता। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? पहले संस्थापक। जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन है? जैन धर्म के पहले संस्थापक मित्रों, जैन धर्म के जो आपके पहले संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हीं को क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। आदिदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव थे। तेईसवें संस्थापक कौन थे दोस्तों? पहले संस्थापक ऋषभदेव, तेईसवें संस्थापक पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, यहीं से जैन धर्म आगे बढ़ता है पार्श्वनाथ से दोस्तों। अब ये जो पार्श्वनाथ थे, तो पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? इनका जन्म कहाँ हुआ और इनको ज्ञान कहाँ मिला? यही सब टॉपिक होते हैं, यही सब प्रश्न आते हैं। जैन धर्म जिन से बना जिसका अर्थ हुआ विजेता, संस्थापक ऋषभदेव, तेईसवें संस्थापक पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। माता का नाम वामा देवी था। पिता अश्वसेन, माता वामा देवी। जन्म इनका होता है काशी में। इनको गांव मिलता है पारसनाथ पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी जो होती है, और पारसनाथ पहाड़ी के किस शिखर पर ज्ञान मिलता है? तो सम्मेद शिखर। किस शिखर पर? सम्मेद शिखर। ठीक दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान मिलता है। इन्होंने चार आर्य सत्य दिए। कौन से आर्य सत्य दिए? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य उनके, चार आर्य सत्य किसके? पार्श्वनाथ के। चार आर्य सत्य कौन कौन से दोस्तों? तो सत्य, अहिंसा, सत्य अहिंसा, असत्य असत्य, अपरिग्रह। सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह। सत्य माने सच बोलना, अहिंसा माने हिंसा नहीं करना, असत्य माने दोस्तों होता है आपका चोरी ना करना। चोरी ना करना, क्या ना करना दोस्तों? चोरी ना करना। अपरिग्रह यानी धन का संचय ना करना। धन का संचय ना करना, ना करना लिख लीजिए, धन का संचय ना करना। जिन से बना था पिता अश्वसेन, माता वामा देवी, काशी पार्श्वनाथ पहाड़ी, सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने चार आर्य सत्य दिए, सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह। असत्य माने चोरी ना करना, अपरिग्रह माने धन का संचय ना करना। यहाँ से अब आते हैं 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आते हैं दोस्तों। तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर, ये 23वें थे, ये पहले थे, ये 24वें थे। 24वें तीर्थंकर दोस्तों होते हैं महावीर स्वामी। कौन होते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आते हैं। इनका बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। उधर महात्मा बुद्ध में उनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, जबकि इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 24वें तीर्थंकर जब महावीर स्वामी आए, तो इन्होंने क्या किया? पार्श्वनाथ के चारों आर्य सत्य में एक आर्य सत्य बढ़ा दिया, ब्रह्मचर्य को। क्या कर दिया दोस्तों इन्होंने? क्या किया? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को। जो पार्श्वनाथ के आर्य सत्य ब्रह्मचर्य को पार्श्वनाथ के आर्य सत्य में जोड़ दिया। अच्छा, जब जोड़ा तो वो चार आर्य सत्य थे, तो वो बना क्या? अब जब इन्होंने एक जोड़ दिया तो एक और बढ़ गए, पांच हो गए। जोड़ा तो क्या कहलाया दोस्तों? वो कहलाया पंच महाव्रत। क्या कहलाया? पंच महाव्रत।
उन्होंने उसको जोड़ दिया दोस्तों, तो वो पंच महाव्रत कहलाया मित्रों। आर्य शक्तियों में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया तो क्या बना दोस्तों, आपका बन गया पंच महाव्रत। क्या बन गया मित्रों, पंच महाव्रत बन गया। ठीक है, अब यहाँ से महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो महावीर स्वामी जो थे, अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, महावीर स्वामी का जन्म, पिता का नाम, माता, जन्म पिता माता पत्नी, जन्म हो गया पिता हो गया माता हो गया पत्नी हो गया और पुत्री, तत्पश्चात दोस्तों दामाद। कौन दोस्तों, दामाद। स्वामी का जो जन्म होता है दोस्तों, इनका जन्म होता है वैशाली में। कहाँ होता है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम। कौन से ग्राम, कुंड ग्राम। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। पिता का नाम इनका था दोस्तों सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। माता का नाम दोस्तों त्रिशला था। क्या था, त्रिशला। पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। क्या नाम था पत्नी का नाम, यशोदा। पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। पुत्री का नाम दोस्तों अन्नोज्या था। क्या था, अन्नोज्या। पुत्री का नाम अन्नोज्या था। दामाद का नाम दोस्तों जामिल। क्या नाम था, जामिल। जामिल किससे मिल गए, अन्नोज्या से मिल गए। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, पुत्री अन्नोज्या थी, दामाद जामिल था। और जो जामिल था दोस्तों, ये सर्वप्रथम महावीर स्वामी का अनुयायी भी था, सर्वप्रथम अनुयायी, ये सर्वप्रथम महावीर स्वामी का अनुयायी भी था और क्या था दोस्तों, सर्वप्रथम विरोधी भी था। महावीर स्वामी का अनुयायी भी था और सर्वप्रथम विरोधी भी था। इसके आगे से हम नेक्स्ट पेज में समझते हैं दोस्तों। जामिल जब सर्वप्रथम अनुयायी और सर्वप्रथम विरोधी था दोस्तों, उसके पश्चात क्या होता है, महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, तो जम्भ्रीय गांव। कौन सा गांव, जम्भ्रीय ग्राम। गांव का नाम दोस्तों जम्भ्रीय ग्राम था। और कौन सी नदी थी, ऋजु पालिका नदी, ऋजु पालिका नदी, ऋजु पालिका नदी के तट के किनारे। और वृक्ष कौन सा था, तो दोस्तों साल का वृक्ष था, साल वृक्ष। जब आपने महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में पढ़ा था, तो उनको महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के निकट उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया बिहार में हुई थी दोस्तों। इनको ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी को जम्भ्रीय ग्राम, ऋजु पालिका नदी, साल वृक्ष के निकट ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों जो थे महावीर स्वामी क्या कहलाए, महावीर स्वामी दोस्तों कहलाते हैं जिन। क्या कहलाते हैं, जिन। जिन कहलाए, आहर्त कहलाए, आहर्त। और निग्रंथ क्या कहलाए, निग्रंथ कहलाए। जिन कहलाए, आहर्त कहलाए, निग्रंथ कहलाए। जिन का अर्थ हम आपको बता चुके दोस्तों क्या होता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। आहर्त का अर्थ होता है दोस्तों बोझ। निग्रंथ का अर्थ क्या होता है, बंधनहीन। क्या होता है मित्रों, बंधनहीन। यह होता है जिन का अर्थ। जब बौद्ध धर्म आप पढ़ रहे थे, तो बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा था कि ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध धर्म में, यहाँ शॉर्ट नोट में लिख लीजिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान था, बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहते थे, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति उसको हम लोग वहां पे कहते थे निर्वाण। क्या कहते थे, निर्वाण कहते थे। और जैन धर्म में जो ज्ञान था, जैन धर्म का जो मामला आया, बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाण कहा गया। और जो जैन धर्म का मामला आया, तो जैन धर्म में जो ज्ञान था, जैन धर्म में ज्ञान, इस ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, कैवल्य। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया, जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। यहाँ से महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी जी को ज्ञान मिल चुका था, जिन आहत निग्रंथ कहलाने लगे थे। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जाहिर सी बात है इन्होंने अपना उपदेश दिया होगा। क्या दिया होगा दोस्तों, उपदेश। इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था, राजगृह में। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, इन्होंने राजगृह में कहाँ पे दिया, विपुलाचल। विपुलाचल
एक पहाड़ी थी विपुलाचल पहाड़ी, तो विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश दिया राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर। इसके पश्चात इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु होती है बाबापुरी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, मृत्यु बाबापुरी में हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों आपको याद होगा लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में होती है, यहाँ पे पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात पहली जैन संगीति होती है। क्या होती है, पहली जैन संगीति। यहाँ पे आप पॉइंट लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 पहली जैन संगीति होती है। जो पहली जैन संगीति हुई वो 300 ईसा पूर्व पहली जैन संगीति होती है। कहाँ होती है, तो कुसुमपुर एक ग्राम था, कुसुमपुर गांव में 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति हुई। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व कुसुमपुर में होती है। और इस पहली जैन संगीति का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों, आपको याद होगा इस पहली जैन संगीति का अध्यक्ष आपका स्कूल भद्र क्या होता है, कौन होता है, स्कूल भद्र होता है। ठीक बात है, स्कूल भद्र होता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, इस चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी थी। और यहाँ से जैन धर्म जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। एक भाग होता है आपका श्वेतांबर और एक बनता दिगंबर है दोस्तों। वहां पे बौद्ध धर्म में चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। यहाँ बढ़ता है दो भाग में श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों सफेद कपड़े पहनते हैं, आपको पता होगा श्वेत माने सफेद, अंबर माने कपड़ा, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और दिगंबर जो होते हैं दोस्तों नग्न अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं, नग्न अवस्था। दिगंबर होते हैं नग्न अवस्था में होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी थी। और दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ दोस्तों आगम ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, आगम ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक, इसमें सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक होता है। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ आगम ग्रंथ। और जैन धर्म का प्रमुख और जो जैन धर्म की प्रचार की भाषा थी, जैन धर्म की भाषा कौन सी भाषा थी मित्रों, तो आपको पता होगा प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, प्राकृत। बौद्ध धर्म में भाषा के बाद जब चली थी वहां पे पाली भाषा थी। आपको ये बौद्ध धर्म बार बार क्यों बता रहे हैं, आपका रिकॉर्ड हो जाए मित्रों। जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा होती है। और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, कौन सा मंदिर, भीलवाड़ा का जैन मंदिर। भीलवाड़ा का दोस्तों जैन मंदिर, कौन सा मंदिर, भीलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ है दोस्तों, अरावली पर्वत पे है, माउंट आबू पे, राजस्थान। कहाँ है भीलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान में दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको जैन धर्म बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।